गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस कंपैरिजन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो क्या थी हमारी बेटा, डी सबशेल में फिलिंग हो रही थी और इलेक्ट्रॉन्स की, और डी सबशेल कौन सी थी, एन माइनस डी सबशेल, यानी कि पेनल्टी मेट थी नेचर में। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में किस सबशेल की फिलिंग हो रही थी, एन माइनस टू एफ सबशेल की। एन माइनस टू क्या होती है, एंटी पेनल्टी मेट। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, उसके बाद साइज। साइज़ और बाकी प्रॉपर्टीज़ को आप ऐसे देखिए कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो ऊपर हैं और एफ ब्लॉक के नीचे हैं, यानी कि ग्रुप, एक तरह से ग्रुप के फॉर्म में देख सकते हैं कि ऊपर जो ग्रुप में है क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और नीचे क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के। तो जो साइज़ है, डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज़ क्या है, कम है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपेरिजन में, एफ ब्लॉक एलिमेंट का ज़्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी, जो साइज़ का जो ट्रेंड होगा वही आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होगा। क्या होगा, अगर साइज़ छोटा है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, एफ ब्लॉक की कम है। द सेम वे ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएशन ज़्यादा है, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव सिक्स सेवन इतना। एफ ब्लॉक एलिमेंट में लैंथेनाइड का तो बिल्कुल भी, एफ ब्लॉक एलिमेंट में स्पेशली जो लैंथेनाइड्स हैं वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्टिनाइड्स तो फिर भी ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब है बेसिक करेक्टर, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के केस में देखेंगे तो कोई भी मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है अलोंग द ग्रुप, उनका बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स हैं वो ऊपर हैं ग्रुप में, तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, लेस बेसिक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डी ब्लॉक एलिमेंट की ज़्यादा होती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट की कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है डी ब्लॉक एलिमेंट की वो ज़्यादा थी, हमने डिस्कस भी किया था। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो यूनिडेंटेट लिगेंड के साथ भी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और हमने लैंथेनाइड के केस में और एक्टिनाइड के केस में डिस्कस किया था कि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, चिलेटिंग लिगेंड के साथ बन रहे हैं। अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल है, वो क्या है, एन माइनस वन डी ऑर्बिटल है, यानी कि पेनल्टी मेट है, वो लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करता है। लिगेंड के साथ इंटरेक्ट होने की वजह से जो डी ऑर्बिटल के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है बेटा, इसलिए बैंड उनके क्या आते हैं, ब्रॉड बैंड आते हैं। और एफ ऑर्बिटल के केस में हम डिस्कस कर चुके थे कि वो एफ जो ऑर्बिटल है वो क्या है, लिगेंड से शील्डेड है, अंदर की तरफ है, इसलिए लिगेंड से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते और बैंड क्या आते हैं, शार्प आते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ज़्यादातर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से ही मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ जाती थी, लेकिन लैंथेनाइड के केस में उसमें हमने देखा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ साथ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है, और एक्टिनाइड का तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था मैग्नेटिक मूवमेंट। अब हम इसका, इनका यूज़ क्या है, जो आपके एक्टिनाइड्स हैं, लैंथेनाइड्स हैं, मेनली एक्टिनाइड्स का यूज़ क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूल में, न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं ये एटॉमिक पावर प्लांट में, और उसका पर्पज़ क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़। तो बेटा जो न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसी प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन है, उसका यूटिलिटी ह्यूमन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि नीचे लेने के लिए। तो जो मेन यूटिलिटी हम क्या कह सकते हैं कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इनका। और न्यूक्लियर फ्यूल की तरह मेनली तीन एलिमेंट यूज़ होते हैं, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम एटॉमिक पावर प्लांट में। अब जो यूरेनियम है उसका मेजर सोर्स क्या है, उसका मेजर ओर क्या है, पिच ब्लेंड है। पिच ब्लेंड के अंदर यूरेनियम होता है U3O8 की फॉर्म में, किसके फॉर्म में होता है बेटा, U3O8 की फॉर्म में, और इसके साथ साथ उसके पास होते हैं सिलिकेट यूरेनियम के, रेडियम के, थोरियम के, लेड के, बिस्मथ के, एक्सेट्रा। लेकिन इंडिया में पिच ब्लेंड नहीं मिलता, इंडिया में यूरेनियम हम कार्बोनाइट से रिकवर करते हैं, उसका फॉर्मूला ये है K2O2UO3V2O5NH2O। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वन मार्क्स क्वेश्चन में या टू मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप यूरेनियम के और बताइए। तो आप पिच ब्लेंड को भी याद रखिए और कार्बोनाइट को भी याद रखिए। अब हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ सा बता रही हूँ, और शुरू में हमने थोड़ा डिस्कस भी कर लिया है कि यूरेनियम है लास्ट एलिमेंट जो कि नेचर में पाया जाता है। जो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उनको भी न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाते हैं। तो एटॉमिक जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा है वो नेचर में नहीं मिलते, हम उनको लेबोरेटरी में बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू, और इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स।
तो इसके एग्जांपल क्या क्या है बेटा, वो सारी रिएक्शन जो हमने सेपरेशन ऑफ प्लूटोनियम नेपच्यूनियम अमेरिशियम का किया था फ्रॉम यूरेनियम से, वो तीनों के तीनों रिएक्शन एज ए एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए ट्रांस यूरेनियम यूरेनिक एलिमेंट्स, तो आप वो वाली रिएक्शंस तीनों दे सकते हैं। हमने क्या बताया था कि एक न्यूट्रॉन की जब बम्बार्डमेंट होगी तो एटॉमिक मास बढ़ता है बेटा, सिर्फ एटॉमिक मास में चेंज आता है। अगर आपका बीटा पार्टिकल निकल जाएगा तो मास नंबर जो है एटॉमिक मास वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा 1 यूनिट से। तो आप ये बात ध्यान रखिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं ये मैंने दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में सोल्व करिए। बेटा मैं जब आपके कॉलेज शुरू होंगे तो मैं सारा जो भी मैंने होमवर्क दिया है क्वेश्चंस की फॉर्म में वो मैं आपकी नोटबुक पे देखूंगी, तो आप साथ साथ करते रहिए। और अब आपकी ये यूनिट हो गई है कंप्लीट, तो इसको आप रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू।